एक पास जिते भगवंत मान बीजेपी उत्ते निशाना विन रहे ने उत्थे ही बीजेपी वालों भी सीएम मान दे उत्ते लगातार निशाने विन जा रहे ने। दस दिए कि राजपुरा दे विच बोलदे हुए सुनील जाखड़ ने कह दिता कि अपनी फोटोआं लवा के भगवंत मान सरकार मोदी सरकार दीआं स्कीमां हथियाउणा चाहुंदी है। जद असीं बुलाउण दी कोशिश कीती तां मोदी दी फोटो देख के उह आउणा ही वाजब नहीं समझिआ, ना ही तां उहनां दे कोई मंत्री शामिल होइआ ते ना ही उहनां दा कोई विधायक शामिल होइआ। हालांकि दस दिए कि भाजपा विकसित भारत का मोटिव लैके पूरे पंजाब ते पूरे मुल्क दे विच झाकियां कट रही है, जिस तों बाद हुण सुनील जाखड़ ने सीएमां दे उत्ते निशाना विन्या। पंजाब सरकार एड्डी छोटी सोच क्यों, पंजाब तां सोच ही वड्डी है साहब, पंजाबियां दी सब तों वड्डी पहचान है, साडा जिगरा साडी सोच बहुत वड्डी है, साडा कद छोटा हो सकदा, बंदे असीं सोच बहुत वड्डी रखदे हां, एड्डी छोटी सोच भी इत्थे मोदी जी दी फोटो लगी इस करके असीं नहीं आना, स्कीमां बदली जांदे फोटो मोदी जी दी ला के असीं अपनी फोटो लानी है। कल तीन जेडे लोग कहते लोग मांझ देंगे हूँ फोटो फाड़ ना देंगे, फोटो के चक्कर च ना पाओ, लोगों का सेवा करो, सेवा पुन आ लैके आए हैं मोदी साहब की गरंटी है, ये ज्यादा तो ज्यादा लोगों लाभ मिले, वोटा आप पै जाएगी सब आ, कोई वोटा वास्ते थोनू नहीं खेचल दिखती है, जी वोटा दो जी चार महीने वोटा आ जाएगी, आनगे वोटा, वोटा देने लगे मेरी एक ही बेनती है, सोच समझ के ठोक बजा के जिहड़े लोग अपना घर नहीं चला सकते अपनी पार्टी नहीं चला सकते वह मुल्क चला देंगे सर, कोई कम करने का जज्बा चाहिए, अकल चाहिए है, एवं नहीं स्कीम चल रही बिठा तो किसी ने दा तो किसी लग जाता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आ लोकतंत्र की खूबसूरती भी है लोकतंत्र की कमजोरी भी है, लोग कई बार अक के भी मैं काले चोर न पा दूंगा तेन नहीं पाता सुनील वोटा, वो काला चोर लैके सिर पर बिठा लो फिर चीका मारते फिरते हैं, पांच साल भुगतने पैने सर, पांच साल केरा गलती कर ली, हूँ लोग कह रहे औखे बड़े हैं, मैं क्या कोई कहना लोग ला देंगे गवर्नर रूल ला देंगे, मैं कहना मैं मैनु मिहनत ना करनी पवे प्रधानमंत्री जी आके, मैं जमा ना रहे पंजाब के लोगों अकल तो आवे, अक चपण ता ही पता लगूगा ना, पांच साल भुगतने वाली बार सोच समझ के दो भी ठीक है साडा आ वर्त देता है ना तो करवा लो, कम नू वोटा दो साहब, कम नू देख के कम करन दी कैपेबिलिटी नीयत नीति नू देख के दो, आ नहीं भी मैं मौके से आके की कह दा मैं तेनू आ दे दूंगा आ दे दूंगा, पल्ले नहीं ढेला करनी मेला मेला है, कितों आणगे पैसे, वह विकसित भारत वास्ते अपना योगदान पाइए, मुल्क तरक्की कर रहा उस तरक्की नू, जिस तरह मोदी साहब ने कहा लाइन च खड़ा आखिरी बंदा वह गरीब आदमी जिन्हों अगे लाइन च मूहरे नहीं लगन देते, पिछले चल तू यार माता दूर से खड़े क्योंकि मेरे कुर्ता पजामा चिट्टा है तेरे नाल, आता कोई पछाण नहीं हुई साहब, आता कोई पछाण नहीं हुई, पछाण है जिहदा हक बनता उन्हूं हक मिले साहब, ते हक दिलाने वास्ते साडे कोल घरे भी दाणे होण, अज जे 85 करोड़ हिंदुस्तान नूं हिंदुस्तानियां नूं फ्री अनाज मिल रहा है, पंज ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-5 ਕਿਲੋ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 47 ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ 14 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 15 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਥੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 46 ਪਿੰਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਵੈਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਘਰ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ।